एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवा मलिक ओवर हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेडिकल टर्म्स फॉर ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग के लिए कौन कौन सी मेडिकल टर्म्स जो है वो यूज़ होती है। ओके, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। तो कौन कौन सी टर्म्स है मेडिकली जो हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग। ओके, बढ़ते हैं। फर्स्ट है यूपनिया। यूपनिया, पनिया का मतलब यहाँ पर होता है ब्रीदिंग, ठीक है। ईयू का मतलब यहाँ पर है गुड, तो यूपनिया का मतलब हुआ नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट आता है डिज़निया। डिज़निया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, जब किसी भी इंडिविजुअल को क्या होती है सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिज़निया। नेक्स्ट आता है टैकीपनिया। टैकीपनिया, पनिया फिर वही है क्या, ब्रीदिंग। टैकी का मतलब होता है इंक्रीज, कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए टैकी तो उसका मतलब है इंक्रीज। तो टैकीपनिया इसका मतलब है रैपिड और फास्ट ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है वो क्या होगी हमारी, रैपिड होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेडीपनिया। ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है मेडिकल टर्म्स फॉर ब्रीदिंग के लिए हाइपरपनिया। हाइपर का मतलब है क्या, बढ़ जाना, पनिया ब्रीदिंग, ठीक है। तो इसमें हाइपरपनिया का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग, जब कोई एक इंडिविजुअल क्या है बहुत ज़्यादा डीप ब्रीद करने लगता है। नेक्स्ट आता है हाइपोपनिया। हाइपोपनिया का मतलब है शैलो ब्रीदिंग, मीन्स जो ब्रीद करेगा वो बहुत हल्की ब्रीदिंग होगी। नेक्स्ट आता है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है नो ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो है ब्रीदिंग बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेडिकल टर्म्स फॉर ब्रीदिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।